देश के कई राज्यों में बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन बारिश का मौसम अभी गया नहीं है। इसी बीच मौसम विभाग ने इन राज्यों में 5 दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कौन से हैं वो राज्य बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। शुक्रवार रात से हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे कई राज्यों में लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इसी के साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग की इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी पहले से ही करके रख लें। IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम समेत कई क्षेत्रों में एक ताजा चक्रवात बन रहा है। इसके कारण 12 सितंबर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा शनिवार और रविवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत में गरज के साथ हल्की से तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही दक्षिण भारत की बात करें तो IMD ने शनिवार और रविवार को हल्की से तेज बारिश की संभावना जताई है। IMD ने कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों में भारी बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि केरल में 11 सितंबर तक बारिश की संभावना बनी है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 12 और 13 सितंबर को मौसम की गतिविधियां कम हो जाएंगी, तो वहीं मध्य भारत की बात करें तो 11 सितंबर तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तेज तूफान चलने का अनुमान है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को मराठवाड़ा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। कुछ जगह पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में शनिवार रविवार को ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 सितंबर तक बारिश का मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही शनिवार को पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। IMD ने शनिवार और रविवार को यूपी में भी गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड में भी 13 सितंबर को भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो मौसम के इस अलर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।